नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सप्तरसंकुल अंदर आप सबनु हार्दिक स्वागत करूचु। विद्यार्थी मित्रों, आज आप संस्कृत विषय की अंदर समय अभ्यास करवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अत्यार सुधी आप जुदा जुदा विषय की अंदर आपने समय अभ्यास करी गेला छे। हिंदी में हो तो समय माटे शब्द प्रयोग ए रीत थतुं होय, गुजराती में होय तो समय माटे शब्द प्रयोग ए रीत थतुं होय, अंग्रेजी में होय तो अंग्रेजी में पण एना अंग्रेजीना जे केटलाक जे वर्ड्स होय एनो उपयोग थतुं होय। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे संस्कृत विषयनी अंदर समयनो अभ्यास करवाना छे। तो संस्कृत विषयमां समय माटे कया कया शब्द प्रयोग उपयोग थाय छे एनो आपणे अभ्यास करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं बोर्ड पर ध्यान आपो। अहीं समयनो अभ्यास करवा माटे कुल अँ पांच बाबत मैं जणावी छे। जो आ कुल पांच बाबत अपने आवड़ती हो तो अपने समय माटे कया कया शब्द प्रयोग करे अपने समझ मेळवीशुं। तो दरेक विद्यार्थी मित्रों, अँ बोर्ड पर ध्यान आपो। जुओ, समय ने संस्कृत भाषा में शीखवा माटे नीचेनी बाबत ध्यान में राखवी। खेला विद्यार्थी मित्रों, अपने संस्कृत विषय में समय अभ्यास करवाना होइए तो आपने पांच बाबत अपने आवड़ती होवी जोईए। तो जुओ, सौथी पहला नंबर एक, कोईपण संख्या में वादन शब्द मुकवामां आव्यो होय तो आटला वाग्या से एम संस्कृत में कही शकाय। जेम के शुं कीधुं विद्यार्थी मित्रों, नियम नंबर एक नी अंदर कोईपण संख्या में वादन शब्द मुकवामां आव्यो होय तो आटला वाग्या से एम संस्कृत में कही शकाय। जेम के एक वादनम एटले एक वाग्यो से एम कही शकाय। बराबर, द्विवादनम एटले बे वाग्या से एम कही शकाय। पंचवादनम એટલે પાંચ વાગ્યા છે એમ કહી શકાય। બરાબર, વાદન એટલે વિદ્યાર્થી શું થાય, વાગ્યા। કોઈ પણ સંખ્યા હોય સંસ્કૃત વિષયની અંદર, બરાબર, કોઈ પણ સંખ્યા હોય બરાબર એ સંખ્યા પાછળ વાદન શબ્દ મૂકવામાં આવે, બરાબર, કોઈ પણ સંસ્કૃત વિષયમાં સંખ્યાની પાછળ વાદન શબ્દ મૂકવામાં આવે તો આટલા વાગ્યા છે એમ કહી શકાય। બરાબર, एक वादन एटले संख्या से, बराबर, शू से आ एक संख्या से कई विषय नहीं संस्कृत विषय एटले एक संख्या में शू से वादनम एटले संस्कृत विषय में संख्या की पाछळ वादनम शब्द मुकवामां आवे तो आटला वाग्या से एम कही शकाय। एटले शू आव्युं, एक वादनम एटले एक वाग्या, द्विवादनम एटले बे वाग्या, पंचवादनम एटले पांच वाग्या। आ नियम नंबर एक। हवे जो विद्यार्थी मित्रों, नियम नंबर बे, कोई पण संख्या पहला सादह मुकवामां आवे तो तेटला अर्धा से एम कहेवाय। जेम के आपणे नियम नंबर एक में शू जोईए विद्यार्थी मित्रों, कोई पण संख्यानी पाछळ शू लागेलुं होय, वादनम लागेलुं होय तो तेटला वाग्या से एम कही शकाय। हवे नियम नंबर बे में शू कीधुं, कोई पण संख्या पहला कीधुं छे, कोई पण संख्या कई विषय में संस्कृत विषय में कोई पण संख्या पहला सादह मुकवामां आवे तो तेटला अर्धा से एम कही शकाय। जेम कि जो दाखला तरीके सादह द्विवादनम सादह एटले अर्धा, द्वि एटले बे, वादनम एटले वाग्या, बराबर, शुं थाय अढ़ी वाग्या एटले बे तीस। बराबर, सादह एटले अर्धा थाय, द्वि एटले बे थाय, वादनम एटले वाग्या एटले शुं थाय अढ़ी वाग्या एटले बे तीस। बीजुं उदाहरण जो, सादह पंचवादनम सादह एटले थाय अर्धा थाय, पंच एटले पांच थाय, वादनम एटले शुं थाय साढ़ा पांच वाग्या एटले आपणे पांच ने तीस संख्या दर्शावी। तो हवे त्रण नंबरमां जो, कोई पण संख्या पहला सपाद मुकवामां आवे तो तेटला वागीने 15 मिनिट थई से
तेम कहेवा अथवा तेतला सवा वाग्या से तेम कहेवाय जेम के। बराबर शू कीधु से नियम नंबर त्रणनी अंदर कोईपण संख्या कोई संस्कृत विषय में कोईपण संख्या पहला सपाद मुकवामां आवे तो तेतला वागीने 15 मिनिट से तेम कही सकाय अथवा शू कहेवाय बराबर कीधु से अथवा तेतला सवा वाग्या से एम कही सकाय। आपणे नियम नंबर एक में शू जोयुं फरी याद करो कोईपण संख्या में वादनम शब्द पाछळ मुकवामां आवे तो तेतला वाग्या से एम कही सकाय। नियम नंबर बेनी अंदर कोईपण संख्या पहला साधा मुकवामां आवे तो तेतला अर्धा वाग्या से एम कही सकाय। पर नियम नंबर त्रण में जुओ कोईपण संख्या पहला सपाद मुकवामां आवे तो तेतला શું કહે તેટલા પંદર વાગીને પંદર મિનિટ થઈ છે એમ કહી શકાય। જો દાખલા તરીકે સપાદ 10 વાદનમ સપાદ રતાય કીધું છે તેટલા વાગીને 15 મિનિટ બરાબર 10 એટલે 10 વાદનમ એટલે વાગ્યા છે એટલે શું કહેવાય સવા 10 વાગ્યા છે બરાબર। સપાદ 1 વાદનમ શું કહેવાય સપાટે સવા આપણે બીજું અહીંયા લખી સપાટે સવા એટલે 15 મિનિટ પણ બરાબર સવા બરાબર 1 એટલે 1 વાદને એટલે વાગ્યા સવા 1 વાગ્યો એટલે સવા 1 એટલે 1 ને 15 સવા 10 એટલે 10 ને 15 ખ્યાલ આવ્યો। હવે જો નિયમ નંબર 4 માં કોઈ પણ સંખ્યા પહેલા શું કીધું છે કોઈ પણ સંખ્યા પહેલા 5 + ઊન બરાબર સંધિ છે પાદ વત્તા ઊન એનું થાય પાદોન। કોઈ પણ સંખ્યા પહેલા પાદોન એટલે 15 મિનિટ ઓછી એટલે 5:15 એવું બતાવવા માટે પાદોન મૂકવામાં આવે છે પાદોન શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો છે। પરજેલો કોઈ પણ સંખ્યા પહેલા પાદ વત્તા ઊન એનું થાય આખું શું થાય પાદોન બરાબર આપણે કરના આમ કૌંસ મૂકી દઈએ કોઈ પણ સંખ્યા પહેલાં પાદન એટલે 15 મિનિટ ઓછી એટલે 5:15 એવું બતાવવા માટે પાદન મૂકવામાં આવે છે બરાબર। બીજું આપણે આમ પણ અર્થ કરીએ પોણા એટલે પાછળ આપણે કઈ કેટલી મિનિટ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર હોય 45 મિનિટ બરાબર એક કલાકમાં 15 મિનિટ ઓછી હોય એને પોણા કહેવામાં આવે। ફરીથી કહી દો કલાકમાં 15 મિનિટ ઓછી હોય એને શું કહેવામાં આવે એટલે પોણા કહેવામાં આવે અહીં કીધું બરાબર પોણા 45 મિનિટ। જો ઉદાહરણ પાદોન અસ્તવાદનમ એટલે શું કહેવાય 7:05 એનું કહેવાય 7:45 બરાબર કલાકમાં 15 મિનિટ ઓછી હોય એને શું કહેવામાં આવે પોણા કહેવામાં આવે બરાબર એનું થાય 8:00 15 મિનિટ બાકી છે। પાદોન 9 વાદનમ બરાબર પાદોન તે પોણા થાય બરાબર 9 એટલે 9 વાદન 9 વાગ્યા એનું કહેવાય 9:15 એટલે શું કહેવાય 8:45 એટલે આવ્યો। પછી જો નિયમ નંબર 5 ઊન એનું અર્થ થાય ઓછી બરાબર આવ્યો ને ઊન એટલે ઓછી અધિક એટલે વધારે કોઈ પણ સંખ્યા પહેલાં ઊન આવે તો તેટલી મિનિટ ઓછી છે અને અધિક આવે તો તેટલી મિનિટ વધારે છે તેમ કહેવાય છે। ફરી લો નિયમ નંબર 5ની અંદર ઊન એટલે ઓછી અધિક એટલે વધારે કોઈ પણ સંખ્યા પહેલાં ઊન આવે તો તેટલી મિનિટ ઓછી છે અને અધિક આવે તો તેટલી મિનિટ વધારે છે તેમ કહી શકાય। જુઓ પંચાધિક પંચવાદનમ એનું કહેવાય 5:05 જોઈ લો ફરીથી લો પંચાધિક અહીંયા અધિક આવ્યો બરાબર 5 કરતાં વધારે થઈ ગયો પછી પંચવાદન એટલે 5:05 પંચોદ્વિવાદનમ એટલે શું પંચોનમાં હું અહીં ઊન શબ્દ સમાય શું છે અહીં ઊન શબ્દ સમાયેલો છે એટલે શું કહે આ ઊન ઊન કહે
पांच मिनिट ओसी से एम कही सकते बराबर। पी अधिक जो पंचाधिक तो अँ शू शब्द समय से जो अँ पंचाधिक तो अँ अधिक शब्द समय से लाइ पंचाधिक पंच वजन पांच ने पांच बराबर पंचोन द्विवादन मतलब बे वाग्या में पांच मिनिट ओसी से एम कही सकते विद्यार्थी मित्रों फरीथी आप रिविजन कर लीए बराबर। नियम नंबर एक में शू कीधु विद्यार्थी मित्रों नियम नंबर में एम जानवामां कि संस्कृत विषय में कोईपण संख्या की पाछळ संस्कृत विषय में कोईपण संख्या की पाछळ वादनम शब्द मुकवामां आवे तो तेटला वाग्या से एम कही सकाय। फॉर एक्जाम्पल आपलो से एक वादनम तो संख्या पाछळ से वादनम एटले एक वाग्या द्विवादनम एटले बे वाग्या पंचवादनम एटले पांच वाग्या अष्टवादनम एटले आठ वाग्या बराबर। पछी जो कोईपण संख्या पहला बीजा शू से कोईपण संख्या पहला साधह शब्द मुकवामां आवे कोईपण संख्या पहला साधह शब्द मुकवामां आवे तो तेटला अर्धा वाग्या से एम कही शकाय। फॉर एक्जाम्पल साधह अष्टवादनम साधह अष्टवादन साढ़ा आठ वाग्या से साधह नववादनम बराबर साढ़ा नौ वाग्या से बराबर साधह द्विवादनम एटले अढ़ी वाग्या से एम कहवाय बराबर। तो जो लाइन है साधह पंचवादनम एटले साढ़ा पांच वाग्या साधह द्विवादनम एटले अढ़ी वाग्या। हवे जो नियम नंबर त्रण कोईपण संख्या पहला कोईपण संख्या पहला सपाट शब्द मुकवामां आवे कोईपण संख्या पहला सपाट शब्द मुकवामां आवे बराबर तो टेटला वाग्ये पंदर मिनिटे मिनिट थई से तेम कही शकाय अथवा सवा सवा हुं कहे सवा वाग्या से एम कही शकाय। फॉर एक्जाम्पल बोलो छो सपाट सप्तवादनम सवा एटले पंदर मिनिट बराबर सप्त एटले सात वादनम एटले वाग्या सवा सात वाग्या। पछी सपाट अष्टवादनम एटले कहेवाय सवा आठ सपाट नववादनम एटले केटला कहेवाय सवा नव सपाट दसवादनम एटले कहेवाय सवा दस। नियम नंबर चार जुओ नियम नंबर चार में शू छे विद्यार्थी मित्रों कोईपण संख्या पहला पादोन शब्द मुकवामां आवे तो पोणा वाग्या से एम कही शकाय। अपनी भाषा में कही है तो पोणा एटलू थाय कलाक में पंदर मिनिट ओसी से। फॉर एक्जाम्पल जो नर्थेलू से पादोन अस्तवादनम तो आठ में केटली बाकी मिनिट बाकी से पंदर एटलू कहेवाय पोणा आठ। पादोन नववादनम नव में केटली बाकी से विद्यार्थी मित्रों पादोन नववादनम एटले आठ ने पिस्तालीस एटले नव में पंदर मिनिट बाकी से कहेवाय। आपने लगे पादोन दसवादनम बराबर हूँ कहवाय पोणा दस। हवे जो नियम नंबर पांच छे एमां दर्शावेलो छे ऊन एटले ओसी थाय अधिक एटले वधारे ऊन एटले ओसी अधिक एटले वधारे कोई पण संख्या पहला ऊन आवे तो तेटली मिनिट ओसी से बराबर अने अधिक आवे तो तेटली मिनिट वधारे से तेम कही शकाय। पंचाधिक पंचवादनम पंचा वत्ता अधिक जो अँ पंचा वत्ता अधिक अँ छूटी पड़े पंचाधिक एट शू थे पांच ने पंचाधिक पंच पांच ने पांच संख्या दर्शन ए पांच ने पांच। पशी पंचोन ए पांच में ओसी कहवाय पंचोन द्विवादनम एट हूँ विद्यार्थी मित्रों बे वाग्या पांच मिनिट ओसी से बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों आनु तमे स्क्रीनशॉट पाड़ी लो बराबर आ तमारो होमवर्क में से विद्यार्थी मित्रों होम वर्क तो दरेक विद्यार्थी मित्रों आनो स्क्रीनशॉट पाड़ी ले पोतानी पाकी नोट नी अंदर बराबर व्यवस्थित अने सारा अक्षर लखवानो छे। हवे दरेक विद्यार्थी मित्रों स्क्रीनशॉट पड़ाव्यो होय एवी हूँ आशा धरावु छू। तो विद्यार्थी मित्रों अपने समयनो भाग एक अपने अँ पूर्ण करिए छे। तो विद्यार्थी मित्रों फरीथी वीडियो जोई समझवानो प्रयत्न करजो। दरेक विद्यार्थी ने जय हिंद जय भारत।